तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैंने एक स्मार्टफोन को ऑर्डर किया था जो कि अभी मेरे पास आ चुका है। जैसे कि आप देख सकते हो अमेजोन की तरफ से ये बॉक्स आया है, मतलब अमेजोन से मैंने इसको ऑर्डर किया था और इस फोन का प्राइस 20-22 हजार के आसपास पड़ा है और इस बजट में ये फोन सबसे बेस्ट, सबसे पावरफुल, सबसे तगड़ा स्मार्टफोन है। आप में से कुछ भाई मुझे हमेशा कॉमेंट करता है कि भाई मेरा बजट 20-22 हजार के आसपास है, मुझे कोई अच्छा फोन सजेस्ट करो, तो उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा तगड़ा और हेल्पफुल वीडियो होने वाला है क्योंकि ये जो फोन है दोस्तों इस डब्बे के अंदर, बॉक्स के अंदर ना, इस बजट में एक वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है। अब आप लोग कहोगे कि भाई कौन सा स्मार्टफोन है ये तो बताओ, तो चलो भाई हम लोग आपके सामने बॉक्स को ओपन करते हैं और देखते हैं भाई ये कौन सा स्मार्टफोन है। लेकिन फिर से बता देता हूं 20-22 हजार में इससे जबरदस्त फीचर्स आपको मार्केट में कोई भी स्मार्टफोन में नहीं मिलने वाला है, मतलब तगड़ा वाला स्मार्टफोन है गाइस। तो इस बात पर वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब मस्ट कर लेना, ऐसे ही अनबॉक्सिंग रिव्यू आपको आगे भी मिलता रहेगा। तो बॉक्स ओपन करते हैं, कुछ इस तरीके से अमेज़न का बॉक्स ऑलरेडी मैंने कट करके रखा था। अब फोन को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं और ये देख सकते हो गाइस, और डब्बे में भाई यहां पर लिखा भी है जैसे कि देख सकते हो Honor 90। इस फोन का प्राइस Amazon का रिपब्लिक डे सेल में कार्डवर्ड लगा के भाई 20,000 में मिल रहा था। सच बताऊं भाई इस बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट पावरफुल स्मार्टफोन बन जाता है, बट मेरे पास कार्ड नहीं था तो मैंने 22,999 यानी भाई 23,000 में इसको ऑर्डर किया था। अब आप लोग कमेंट करोगे भाई अभी इसका प्राइस तो बढ़ चुका है, कब इसका प्राइस कम होगा तो उसके बारे में बताऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन उससे पहले जान लो कि भाई इस फोन में क्या कुछ तगड़ा फीचर्स है जिसके वजह से मैं इतना हाइप क्रिएट कर रहा हूं इस फोन का। चलिए बॉक्स ओपन करते हैं, तो डब्बा खोल तो हो चुका है। सबसे पहले भाई यहां पर फोन देखने को मिल रहा है, इसको बाहर निकालता हूं, देख सकते हो। बाकी बॉक्स के अंदर एक सिलिकॉन बैक केस दिया गया है, एक चार्जिंग केबल है और साथ में एक सिम इजेक्टर टूल मिलता है, कुछ यूजर मैनुअल दिया गया है। अब चलो फोन में ध्यान देते हैं और इसको मैं बाहर निकाल लेता हूं और ये रहा गाइस फोन। बैक साइड में दोस्तों ग्लास यूज किया गया है जहां पर Honor का ब्रांडिंग है और कैमरा मॉड्यूल बहुत ही स्पेशल, मतलब डिजाइन यहां पर दिया है, ऐसा कैमरा मॉड्यूल आपको दूसरा किसी भी ब्रांड में नहीं मिलेगा। तो टोटल 7 पॉइंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूं जिसके वजह से ये फोन 20,000 के अंदर एक वन ऑफ द बेस्ट फोन बन जाता है। जिनमें से एक पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया, फोन का डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी काफी तगड़ा है, ग्लास बैक के साथ आया है, देखने में भी फोन काफी अच्छा लगता है। नंबर टू, फोन में जो डिस्प्ले यूज हुआ है ना, वो भाई देख सकते हो आप, क्वाड कर्व डिस्प्ले जैसे मैंने आपको बताया, और ये डिस्प्ले भाई नॉर्मल डिस्प्ले नहीं है, 6.7 इंच का एक 1.5K रेजुलेशन वाला एमोलेड डिस्प्ले मिलता है दोस्तों, जो कि HDR10 को सपोर्ट करता है, 120Hz का रिफ्रेश रेट है और यहाँ पर 1600 nits का ब्राइटनेस दिया गया है। मतलब डिस्प्ले में जब आप कॉन्टेंट देखोगे ना तो भाई आप ही खुद कहोगे कि भाई इसमें क्या ही क्वालिटी निकल के आता है। मतलब अगर आप 20-22 हजार के बजट के हिसाब से जज करोगे तो भाई बेस्ट डिस्प्ले यहाँ पर Honor इस फोन में प्रोवाइड करवाया है। नंबर टू, फोन में भाई प्रोसेसर जो दिया है ना वो भाई Qualcomm का चिपसेट है, भाई काफी पावरफुल चिपसेट है, Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, जो कि भाई 7 लाख से ज्यादा अंतुतु स्कोर निकालता है और इसमें अगर आप नॉर्मल यूज करोगे तो कोई भी दिक्कत आपको नहीं देता है, नॉर्मल हीट भी नहीं होता है। लेकिन अगर आप हेवी गेमिंग भी करना चाहोगे, चाहे फ्री फायर, चाहे BGMI, चाहे किसी भी तरह का गेम खेलोगे ना, तो भाई मक्खन के जैसा चला के देता है। अब 20-22 हजार के हिसाब से देखोगे तो भाई और क्या चाहिए आपको, मतलब सब कुछ तो इसका चिपसेट संभाल लेता है। अब नंबर फोर की बात करें तो इस फोन में दोस्तों जो मतलब बैटरी दिया है ना, 5000 mAh का बैटरी है फोन में, आराम से भाई ये फोन आपको एक दिन बैटरी बैकअप निकाल के देता है, बैटरी बैकअप में कोई भी इशू आपको नहीं मिलने वाला है। फोन भाई 66W का चार्जर को सपोर्ट करता है तो चार्जिंग के मामले में भी यहाँ पर आपको कोई इशू नहीं मिलने वाला है, सुपर फास्ट फोन चार्ज हो जाएगा। नंबर फोर, फोन का कैमरा, बैक साइड में जो कैमरा सेटअप आप देख रहे हो ना वो भाई 200 MP का मेन सेंसर है, 12 MP का अल्ट्रा वाइड और 2 MP का लास्ट वाला सेंसर है और यहाँ पर एक LED लाइट भी मिल रहा है, इसका जो फोटो निकाल के देता है दोस्तों नेक्स्ट लेवल का। कुछ सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप यहाँ पर देख सकते हो डिटेल्स और कलर और सब कुछ, आप देखो भाई कलर लाइट वगैरह कैसे निकाल के दे रहा है, मस्त यहाँ पर मतलब फोटो निकाल के देता है। 20-22 हजार के हिसाब से अगर आप इसको जज करोगे तो कैमरा इसका ये 1 दिया गया है दोस्तों, और इसका सेल्फी कैमरा भाई 50 MP का सेल्फी यहाँ पर आपको फ्रंट में देखने को मिल जाता है, और इसका भी कुछ सैंपल मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, आप यहाँ पर देख सकते हो फोटो सेल्फी में काफी तगड़ा निकाल के देता है भाई। 20-22 हजार के बजट के हिसाब से जज करोगे तो वन ऑफ द बेस्ट सेल्फी कैमरा मैं इसको कहना चाहूंगा। और एक प्लस पॉइंट है, जो लोग वीडियो करता है ना ब्लॉगिंग वगैरह, उसके लिए यहाँ पर 4K का सपोर्ट आपको फ्रंट में और बैक दोनों साइड में देखने को मिल जाता है 30 FPS के साथ, तो कैमरा यहाँ पर नेक्स्ट लेवल का दिया गया है दोस्तों। अब नंबर 6 दोस्तों, इस फोन में जो UI यूज किया गया है, मैजिक OS 7.1 का सपोर्ट है, एंड्रॉइड 13 बेस्ड है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर 2 ईयर यानी 2 साल का अपडेट आपको मिलेगा, 14 और 15 तक ये फोन अपडेट मिलेगा, बाकी सिक्योरिटी अपडेट आपको मिलता रहेगा। लेकिन यहाँ पर UI में दोस्तों काफी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स भी आपको मिल जाता है और इसका UI बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है दोस्तों, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा भाई लेग कर रहा है, हैंग कर रहा है। और नंबर 7, इस फोन में जो रैम और रोम दिया है ना वो भाई LPDDR5 रैम है और UFS 3.1 का स्टोरेज है, जो कि लेटेस्ट वाला वर्जन है दोस्तों, जो कि हमें 30,000 के ऊपर के बजट में मिलता है। अब 20-22 हजार के हिसाब से देखोगे ना
तो भाई लेटेस्ट रैम आपको मिल जाता है, जिसकी वजह से फोन बहुत ही ज्यादा स्मूथ चलता है। तो ये सारे फीचर्स अगर कुल मिला के देखोगे ना तो 20-22 हजार के बजट में ये वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन बन जाता है। लेकिन आप लोग तो कमेंट करोगे, मुझे पता है कि भाई इसका प्राइस तो अभी बढ़ चुका है, कब इसका प्राइस कम होगा। तो देखो भाई, जब इसका प्राइस एक बार कम हो चुका है, एक बार भाई 20-22 हजार में ऑलरेडी इसको सेल किया गया है, तो फिर से मैं आपको 100% कह सकता हूं कि इसका प्राइस कम होगा। जब नेक्स्ट सेल लगेगा तो उसमें इसका प्राइस फिर से 20-22 हजार के आसपास के रेंज में देखने को मिल सकता है। लेकिन आप में से कौन कौन इस फोन को ऑर्डर किए हो कमेंट करना, और आपका जो फीडबैक है इस फोन के बारे में वो भी जरूर से बताना, ताकि सबको हेल्प हो सके कि एक्चुअली में ये फोन कैसा है। मुझे तो ये फोन काफी बढ़िया लगा है दोस्तों, जिस बजट में मुझे मिला है। लेकिन इसमें तीन कमियां मुझे देखने को मिला। पहला, इसमें दोस्तों चार्जर आपको फोन के साथ नहीं मिलता है, मैंने अलग से इसका चार्जर मंगवाया है जो कि आप यहां पर देख सकते हो, और इसका प्राइस 700 रुपया पड़ चुका है, जो कि एक्चुअली मुझे ज्यादा लग रहा है। नंबर टू, इस फोन में दोस्तों सिम स्लॉट ना आपको डेडिकेटेड सिम स्लॉट नहीं मिलता है, 2 माइक्रो सिम आप यहां पर यूज कर पाओगे, और इस फोन में आप चुपके से कॉल रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते हो, सामने वाले बंदे को पता चल जाता है। बाकी फोन भाई 20-22 हजार के अंदर मुझे तो बेस्ट लगा है। तो अगर आप इस फोन को लेना चाहते हो, आपका फोन अभी सही चल रहा है, तो थोड़ा सा आप वेट कर सकते हो, जब इसका प्राइस फिर से डाउन होगा ना तो चैनल पे मैं वीडियो बना के दे दूंगा। बाकी आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब मस्ट करना।